राजधानी भोपाल के गांधी भवन में युवा कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद गांधी भवन के हॉल में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस अनूठी पहल के लिए बधाई दी। इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष का भी उन्होंने आज भारत की बात करते हैं पूरे विश्व में इंदिरा गांधी का नाम आता है सामने सवाल और यही कारण है कि एनएसयूआई पर कभी उनको पीटेंगे। आज ये किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। एनएसयूआई तो उनके कान खोल रही थी, उनका यही लक्ष्य था, कोई मारपीट का कोई हिंसा का लक्ष्य नहीं था। पर कितनी हिंसा हमारे एनएसयूआई के साथियों के साथ की गई, ये बड़े दुख की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित बैठक ली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान में मिले आरक्षण के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। भाजपा के नेता अक्सर आरक्षण खत्म करने का बयान देते हैं और बाद में जनता के दबाव में उस बयान को वापस ले लेते हैं, लेकिन ये बयान भाजपा के नेताओं की आत्मा से निकलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को भ्रमित कर रही है। प्रदेश में कोरोना का संकट कम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी बोर्ड में सक्रिय हो गई है। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इसमें जनजाति गौरव दिवस और मध्य प्रदेश में हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाए गए। उद्घाटन सत्र में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के ऊपर का एक ऐतिहासिक जो इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीनेशन पर जो अभियान में हुआ है, साथ में ही मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस की जो शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, देखिए ये ऐसे जो खींच करने वाले लोग असामाजिक नहीं है, कांग्रेस ही होंगे, वही ये करते आए हैं, उनको लगता है कि इतना उत्सव और उत्साह क्यों आ रहा है। तो इससे कुछ नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ, हम तो अनुशासन का हमारा कार्यकर्ता हमेशा से उस पर काम करता है, लेकिन ऐसे लोगों की जो हरकतें होती हैं वो कांग्रेसियों का जीवन चरित्र में ही उनके अंदर लिखा हुआ है, ये उनके नेचर में है, वो हमेशा से गुंडिज्म, अपराधीकरण, इस प्रकार के लोगों पर वो करते आए हैं, इसलिए वो कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रबल प्रताप सिंह मावई ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने शुक्रवार को संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पहुंचकर बसपा में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए समय नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। कमलनाथ जी बड़े सम्मानी लीडर हैं, बड़ा अनुभव है उनको कांग्रेस पार्टी में। अब कमलनाथ जी का मैं उनकी इसको आदत कहूं या उनका बुहार कहूं, ये बात सत्य है कि कार्यकर्ताओं के लिए उन पर समय नहीं है। जब भी कोई कार्यकर्ता मिलने जाता है उनका हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है और मुझसे, मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है इस तरह घड़ी देखते हैं और मैं जल्दी में हूँ, बताओ बताओ, चलो चलो, और बाद में मुझसे मिलना, ये उनके परमानेंट शब्द है। जब कांग्रेस की सरकार थी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। तो क्या आप ये मानते हैं मामी साहब कि चलो चलो के चक्कर में सरकार कमलनाथ जी की सरकार चली गई थी? ये तो कमलनाथ जी मुझसे कमलनाथ जी ज्यादा क्या वो सही था क्या? देखिए ज्यादा कारण आप मुझसे बेहतर जानते हैं और सब देते हैं किस कारण गई है। और उनकी कार्यशैली हमेशा, वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे लीडर हैं, पर वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कांग्रेस के किन किन पदों पे आपने सेवा दिया है? मैं पूर्व नगरपालिका कांग्रेस के बैनर पे मुरैना का अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा हूँ। अभी मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एनएसवाई का मैं प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ। युवक कांग्रेस का रहा हूँ। मैं तमाम छोटे बड़े पदों पे रहा हूँ और पिछले कम से कम 25 साल से मैं सक्रिय कांग्रेस में हूँ। आपके भाई भी विधायक हैं? हाँ, तो मेरे क्या वो उनको भी लेके आएंगे आप? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, बाकी वो कांग्रेस का उनका क्या है क्या नहीं है। और राजनीति तो आप समझते हो, सबको अपनी अपनी करनी पड़ती है। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे कजिन ब्रदर हैं, ताऊ जी के लड़के हैं। बीएसपी में आपकी क्या भूमिका है? नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कार्य समिति की बैठक से निकलने के बाद बयान देते हुए कहा कि बैठक में विपक्ष को लेकर कोई बात नहीं हुई है और कांग्रेस पार्टी की बात करना ही समय की बर्बादी है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान टीकाकरण को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए गए भ्रम को लेकर भाजपा की कार्य समिति में निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अमृत महोत्सव
के रूप में जो पूरा ये वर्ष बना वर्ष को लिया गया है उसमें कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी के जो पावन पर्व है उस पर हमने पूरी प्रोग्राम बनाया है और कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाए और अंतिम व्यक्ति तक जो शासन की योजना का लाभ कैसे मिले इस बारे में वहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। और जब भी कोई वरिष्ठ नेतृत्व तो मार्गदर्शन देता है तो क्षेत्र को भी फायदा होता है और हमारे जैसे सीखने वालों को भी फायदा होता है। एक तो बहुत सी बातें जो फील्ड की होती है उसकी जानकारी और हमें जो नई सीखने को मिलती है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मिलता है और शासन की योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार जो पार्टी रणनीति बनाती है उसके उस रास्ते पर चलते हुए पार्टी और कैसे मजबूत बने इसका मार्गदर्शन। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद कमल पटेल ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव, कुशाभाऊ ठाकरे जयंती, जन्म शताब्दी वर्ष के साथ टीकाकरण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। 60 साल राज किया और 60 साल और 7 साल हमारा और 15 साल भाजपा का शासन छह अटल जी का, तो 60 साल की तुलना अगर हम 7 साल से करें मोदी जी से तो भारी है मोदी जी का काम। 60 साल में एक शौचालय तक नहीं बनाया कांग्रेस ने, 1 किलोमीटर गांव में सड़क नहीं बनाई, 1 पक्का मकान नहीं दिया, 1 गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, 1 कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। इसी बैठक में भाजपा में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण से कैलाश विजयवर्गीय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जो भाषण दिया वह तारीफ के काबिल था। जो बैठकें होती है उसका मूल उद्देश्य होता है संगठन को मजबूत करना और सरकार द्वारा किए गए कार्य, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, उसमें संगठन क्या भूमिका अदा कर सकता है, ये 2 मूल उद्देश्य होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य समिति की बैठक हुई है और मैं समझता हूं पोलिंग बूथ पे संगठन कैसे मजबूत हो इसके लिए कार्य योजना बनी है। आगे प्रशिक्षण वर्ग चलेंगे जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार के वे सब कार्य जो जन कल्याणकारी हैं वे जनता तक पहुँचे, जैसे वैक्सीनेशन के काम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका अदा की थी, अब वैसे ही अब जो सेकंड डोज है वो भी लोगों को 100% लगे, लोग घर घर जाकर लगाएं, इसका प्रयास किया जाएगा। नहीं, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करना चाहिए और सिंधिया जी का भाषण बहुत अच्छा था तो इसलिए तारीफ करी मैंने। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।